नमस्कार, इन खबर में आप सभी का स्वागत है। बॉलीवुड से बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अब पंचायत चुनाव में दिखेगा बॉलीवुड का तड़का। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में इस बार बॉलीवुड का तड़का भी लगने लगा है। बता दें कि फेमिना मिस इंडिया 2015 की रनर अप रहे दीक्षा सिंह ने जौनपुर से जिला पंचायत का चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। वहीं उन्होंने वार्ड संख्या 26 से जिला पंचायत सदस्य के लिए पर्चा खरीद भी लिया है। बॉलीवुड का जाना पहचाना चेहरा बन चुकी दीक्षा सिंह घर घर जाकर अपने लिए वोट मांगेंगी। अगर आप दीक्षा सिंह के बारे में नहीं जानते तो बता दें आपको दीक्षा सिंह बक्सा विकास खंड क्षेत्र के ही चित्तौड़ी गांव के रहने वाले जितेंद्र सिंह की बेटी है। उन्होंने फेमिना मिस इंडिया 2015 में भाग लिया था। इस प्रतियोगिता में वह रनर अप रही थी। दीक्षा ने बॉलीवुड में कामयाबी के लिए लगातार संघर्ष किया है। फरवरी 2021 में ही उनके एल्बम रब्बा मेहर करे खूब सफलता बटोरी है। इसके अलावा वह लेखन के क्षेत्र में भी सक्रिय हैं। दीक्षा सिंह ने बॉलीवुड की इश्क तेरा फिल्म की कहानी भी लिखी है। साथ ही वह पैंटीन, पैराशूट ऑयल, स्नैपडील से लेकर कई बड़ी बड़ी कंपनियों के विज्ञापन में काम कर चुकी हैं। जल्द ही उनकी एक बड़े बैनर की वेब सीरीज आ रही है। अब बात करते हैं दीक्षा के चुनाव में खड़े होने की। दीक्षा ने अपने चुनाव प्रयास के बारे में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि वह बदलाव की सोच लेकर चुनाव में उतरी है। उन्होंने बताया कि वह कॉलेज के समय से प्रतियोगिताओं और राजनीतिक बहसों में हिस्सा लेते आई हैं। पंचायत चुनाव के जरिए वह जमीनी स्तर पर कुछ करके दिखाना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि जौनपुर अभी कई शहरों से काफी पीछे है। चुनाव जीतकर वह सारी सुविधाएं यहां तक लाना चाहती हैं। दीक्षा सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए कहा कि राजनीतिक में नरेंद्र मोदी उनके आदर्श हैं। दीक्षा समय समय पर गांव आती रहती हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने गांव के विकास की दौड़ में पीछे रह जाना खलता है। इसी को दूर करने के लिए वह चुनाव में उतरी है। तो अब आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं कि आप लोग दीक्षा सिंह के समर्थन में हैं या नहीं। और ऐसी ही खबर की अपडेट पर रहेगी हमारी नजर। आप देखते रहिए इन खबर और साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूले और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।